सक्सेस की ये कहानी किसी का भी हौसला बढ़ा सकती है। एक शख्स जो पैसे की कमी के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, अपना जीवन और परिवार के गुजारे के लिए कभी मोमोज का स्टॉल चलाता था, इसके अलावा भी कई छोटे मोटे काम किए उसने, लेकिन किस्मत ने एक दिन उसकी बाजी पलट दी। आज की तारीख में वह 10 लाख की टर्नओवर कंपनी का मालिक है और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। भागलपुर के निशांत कुमार की कहानी आपको इंस्पायर कर सकती है। निशांत अपनी आईटी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन कभी पैसे के लिए पढ़ाई अधूरी उनकी रह गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने की बजाय उन्होंने मोमोज का ठेला लगाया और उसके बाद आज वह एक आईटी कंपनी चला रहे हैं, जहां पर उन्होंने 40 लोगों को रोजगार दिया है। आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 10 लाख का है। तो पहले लगभग जब हमने 10th पास किया, उस समय हमने बहुत सारे जॉब के लिए प्रयास किया। जब जॉब नहीं मिला, कारण ये था कि कोई सर्टिफिकेट नहीं था। उस समय 10th के बेसिस पे लोग जॉब नहीं देते आईटी सेक्टर में। तो हमने फूड का स्टॉल्स लगाना शुरू किया शहर में, मोमोज का और बहुत चीज़ों का, लेकिन शायद अपना जॉनर वो नहीं था। फिर धीरे धीरे लगभग 3-4 महीना उस पर काम करने के बाद ये था कि उसको भी बहुत स्टार्टअप की नज़रिया से अभी भी लोग देखते हैं, और उस समय भी हमने देखा। और उसके बाद फिर हमने अपने कंपनी का स्थापना किया 2019 में। कंपनी स्थापना करने के पीछे कारण सबसे बड़ा ये था कि जिस चीज़ के लिए हम स्ट्रगल किए, कि टैलेंट था, बहुत अच्छा काम कर सकते थे, बहुत प्रशासन के लिए बहुत काम किए, नमामि गंगे के लिए काम किए, लेकिन सर्टिफिकेट ना होने के कारण, उस समय डिग्री ना होने के कारण, कम एज होने के कारण कोई जॉब नहीं देना चाहते थे। आईटी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें आई थिंक कि मैटर नहीं करता है कि आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, क्या डिग्री है। बहुत सारे एमसीए और एमटेक वाले भी काम नहीं कर पाते हैं, और जो हमारे पास 10th पास किए स्टूडेंट है या 12th पास किए स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो दे आर डेवलपर्स, वो वेबसाइट बनाते हैं, वो ऐप बनाते हैं। तो हमारे पास अभी 9-10 लोगों का टीम है जो हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग क्लाइंट के लिए, विदेश में बहुत सारे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, भारत में बहुत सारे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने शहर भागलपुर में काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सफ़र उस जगह से यहाँ तक आने का रहा, और एक मकसद ये है कि जो भी लोग के पास डिग्री नहीं है, पढ़ने का अवधारणा बदलना है। कि अगर आपको लगता है कि किताबें खोल करके ही पढ़ाई होती है और लोग उसी को पढ़ना मानते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को बदलने के लिए मेरे कंपनी में जो इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई डिग्री नहीं देखते हैं। हम लोग सिंपल चाहते हैं कि आप आएँ और अपना काम दिखाएं। कभी नौकरी की तलाश आपने की? अब आप कितने लोगों को नौकरी दे चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग लगभग 35 से ज़्यादा एम्प्लॉय को नौकरी दे चुके हैं, जो हम लोग से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व हैं। कितने दिनों तक स्ट्रगल किया था लगभग नौकरी? जी लगभग बहुत छोटी सी नौकरी, 5-7 हज़ार के नौकरी के लिए लमसम 6-6 महीना, 7-7 महीना भटकते रहते थे। और अभी काफ़ी अच्छा सेटल्ड हैं हम लोग, और हमारे पास जो लोग हैं वो भी अच्छा कमा रहे हैं। जिस समय नौकरी के लिए समाज के लोग क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं? जी समाज के छोड़ दीजिए, घर के ही लोग बहुत ऐसे होते हैं ना कि आपको, माँ बाप को छोड़ करके जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनको लगता है कि अरे आप बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं रहे, अभी से कमाने क्यों भेज दे रहे हैं। बहुत गलत अवधारणा है। कमाना लोगों को पता नहीं अनएथिकल क्यों लगता है हमारे समाज में। बहुत कम ऐसे, अगर आप कमाना शुरू कर देते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं बहुत अनएथिकल है, अभी नहीं कमाना चाहिए। नहीं, कमाने का कोई एज नहीं है। बाहर जाएंगे आप देखेंगे लोग कॉलेज से पढ़ के आते हैं, अपना आइसक्रीम का कार्ड लेकर के निकल जाते हैं। हमारे यहाँ इसको बदलने की थोड़ी सी ज़रूरत है। कमाने का कोई पर्टिकुलर एज नहीं है। जब आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप लोगों के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, आप तब से कमाना शुरू कर सकते हैं।